झोंका हवाओं का बदला गया है, वाल्मीकि प्रगट दिवस आ गया है। बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई, बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई। लोगों को वित्तीय साक्षरता देने का कार्यक्रम है। वित्तीय साक्षरता से मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा है तो उसका उपयोग कैसे करें, और पैसा नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था कैसे करें। क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा नहीं है उसे काम के लिए पैसे की भी आवश्यकता है, और जिसके पास पैसा है उस पैसे को मैक्सिमम कैसे आउटपुट लिया जा सके, कैसे मैक्सिमम अर्निंग की जा सके, और पैसे को सेफ भी बना रहे उसका। क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहला इशू है। आजकल लोग बहुत सी जगह इंटरेस्ट ज़्यादा के लालच में आकर के जमा कर देते हैं, और जब वो पैसा मैच्योर होता है तो उनको भुगतान उसका नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये भी जानकारी है। इसके अलावा हमारी बैंक की जो दूसरी है, हमारी बैंक ने जितने भी बोरोवर्स हैं हमारे, उन सबको बैंक ने अपने खर्चे पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज दिया हुआ है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की दुखद एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख का क्लेम है। और डेथ होने पर ही नहीं, अगर उसके 2 आँख, दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं तो जीवित रहते हुए भी 2 लाख का क्लेम है। तो इस तरह की योजना हमारी। और उसके अलावा जो भारत सरकार की योजना जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा और अटल पेंशन योजना, ये 3 योजना चल रही हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूकता देना है। और हमारी बैंक बजाज एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये 2 की कॉरपोरेट एजेंट है। इनके हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में और लोगों की जीवन सुरक्षा के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट है उनके बारे में लोगों को जानकारी देना है, आज हमारा ये उद्देश्य है। लोगों का बहुत अच्छा उत्साह है। जब से मैं शाखा में आया हूँ, करीब मुझे 2.5 साल हो गया है। यहाँ का बिजनेस डिपॉजिट के मामले में लगभग 1.5 गुना हो गया है जब से मैं आया हूँ, और एडवांस के मामले में 2 गुना हो गया है। लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं, और रिकवरी वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और एनपीए भी बहुत। एक्चुअली ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, नाबार्ड के द्वारा ये प्रायोजित है, और उद्देश्य होता है अपनी जनता तक बैंक की स्कीम को अवगत कराना। कि जानकारी के अभाव में लोग फायदा नहीं उठा पाते। इनके हित के लिए बहुत सारी स्कीम चला रखी है, जैसे जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, ये 2 इंश्योरेंस स्कीम है। जीवन सुरक्षा में मात्र 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार देती है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। तब सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से हमारे बैंक को सेट किया, और आज के प्रोग्राम का आयोजक भी नाबार्ड ही है। तो ये दूसरी स्कीम जीवन ज्योति है, जिसमें 330 रुपये मात्र साल का प्रीमियम जाता है, और 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। डेथ कैसे भी हो, लेकिन 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। ऐसे अटल पेंशन सरकार ने एक स्कीम चला रखी है। उद्देश्य रहता है कि 60 साल के बाद में आदमी की एज फैक्टर की वजह से कमाने की क्षमता कम हो जाती है, प्लस उसको पैसे की नीड बढ़ जाती है, छोटी मोटी बीमारियां, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, उस समय उसको पैसे की सहायता बहुत जरूरी है। या तो बच्चों पर डिपेंड रहे, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, या दूसरे शब्दों में बुढ़ापे का सहारा क्रिएट करने के लिए अटल पेंशन की स्कीम चलाई गई है। इसमें 18 से 40 साल तक का कोई भी महिला या पुरुष भाग ले सकता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इस अटल पेंशन में शामिल होता है उसको तो 60 साल के बाद में एक निश्चित राशि मिलती ही है। उसकी मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को भी जब तक वो जिंदा रहते हैं यही लाभ बरकरार रहता है। जब दोनों एक दिन समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो लगभग 8.5 लाख रुपए 5,000 की पेंशन लेने वाले को अपने बच्चों को देने के लिए भी मिल जाते हैं। पेंशन योजनाएं, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री की बीमा योजना, ये सभी के लिए ऐसी योजना है जो बहुत लाभकर हैं, और जिसकी जानकारी यदि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम होगी, लेकिन जितना इसकी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही लाभ।